नमस्कार, पिनेकल ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित सिंह मार और अब हम करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर वन पेपर, जिसमें हमारा अब का पेपर कोड है 861। एक और दो में हमें बताना है कि जो अन्य प्रतिक्रियाओं से अलग है वो कौन सा विकल्प है। यहाँ देखिए 84 और 65, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है 19 का। 26 और 43, इनके बीच अंतर है 17 का। 48 और 67, यहाँ भी अंतर 19 का है। और 62 और 43, यहाँ भी अंतर 19 का है। तो विकल्प बी जो है वो अलग हुआ। प्रश्न दो में भी हमें अलग बताना है। देखिए एफ के बाद एफ छठे स्थान पर होता है, एच आठवें स्थान पर। यहाँ अंतर कितना है, पहले दो अक्षर हम देखें तो 2 का। पी 16वें स्थान पर, आर 18वें स्थान पर, यहाँ भी 2 का अंतर है। के 11वें स्थान पर, एन 14वें स्थान पर, यहाँ 3 का अंतर है। सी तीसरे पर और ई 5वें पर, यहाँ भी 2 का अंतर है। तो विकल्प सी जो है वो अलग हुआ। प्रश्न तीन में शब्दकोश के क्रम के अनुसार हमें इनको लिखना है। तो सबसे पहले हमें 5, 1, 3 और 1, 5, 1 और 3 में देखना है। तो सबसे पहले एफ ओ आर जी ई, 5 में दिया है एफ ओ आर एम, यहाँ जी है, और 3 में है जी ओ। तो सबसे पहले एक आएगा, सबसे पहले एक जो है वो विकल्प बी में है, डी में है। अब हमें 4 और 2 में देखना है, एफ ओ आर जी ई टी और एफ ओ आर जी आई। तो पहले ई आएगा, तो 2 पहले आएगा, ये हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 4 में कौन सी आकृति सही संबंध दर्शाएगी सतनधारी गायें और कौवे के बीच। देखिए गायें जो हैं वो क्या होती हैं, सतनधारी होती हैं, पर कोए जो है वो सतनधारी नहीं होते हैं, वो अलग होंगे। तो विकल्प सी हमारा उत्तर होगा। ये जो बाहर का वृत्त है ये सतनधारी के लिए होगा, अंदर जो है वो गाय के लिए, और ये जो अलग है ये कोवे को दर्शाएगा। ये हमारा सही उत्तर है। प्रश्न 5 में यदि किसी भाषा में जून को ये लिखा जाए, अगस्त को ये लिखा जाए, तो गेस्ट को कैसे लिखेंगे। यहाँ देखिए जे के लिए कोड क्या है, पी है। यू के लिए कोड क्या है, क्यू है। तो इसी प्रकार अगस्त में ए के लिए कोड क्या है, डब्ल्यू है। तो गेस्ट के लिए कोड क्या होगा, तो यहाँ पर देखें जी। जी के लिए कोड क्या है, यहाँ जी है तीसरे स्थान पर, यहाँ एफ, तो जी के लिए कोड हुआ एफ। यू के लिए, यू दूसरे स्थान पर है, यू के लिए कोड है क्यू। उसके बाद देखिए ई, ई यहाँ पर था अंत में, ई के लिए कोड है एस। उसके बाद है एस, एस यहाँ पर था दूसरे स्थान पर, एस के लिए कोड है एम। और टी अंत में था, टी के लिए कोड है एन। तो एफ क्यू एस एम एन, ये हमारा सही उत्तर होगा, विकल्प बी में जो दिया हुआ है। प्रश्न 6 में यदि गुणा का मतलब जमा भाग का घटा इस प्रकार दिया है, तो इस समीकरण का मान क्या होगा। तो हम इस समीकरण को लिखते हैं, जो दिए गए निर्देश हैं उनके अनुसार हम निशान बदल कर इसको लिख देते हैं। 14 जमा 4 घटा 70 भाग 10 गुना 2। तो सबसे पहले हम भाग करते हैं, 14 जमा 4 घटा 7 गुना 2। उसके बाद बोर्ड मास के अकॉर्डिंग गुना किया जाता है, 14 जमा 4 घटे 7 दूनी 14। तो ये 14 से 14 कैंसिल आउट, बचा कितना 4, ये हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 7 और 8 में हमें लुप्त संख्या यहाँ पर बतानी है। तो 7 में देखिए 6 के बाद दिया हुआ है 24, उसके बाद दिया हुआ है 60। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें 120 दिया है, उसके बाद 210, इसके आगे क्या होगा। यहाँ जो है अंतर का अंतर लिया गया है। देखिए 6 और 24 में कितना अंतर है, 18। 24 और 60 में कितना अंतर है, 36 का। उसके बाद 60 और 120 में 60 का, और 120 और 210 में कितना अंतर है, 90 का। अब इनका अंतर देखते हैं, 18 और 36 में 18 का अंतर है, यहाँ 24 का अंतर है, यहाँ 30 का। तो ये देखिए यहाँ पर 6 6, तो इसके बाद भी अंतर कितने का होगा, 6 का। तो 30 और 6 36, इसका मतलब 90 और आगे वाली संख्या में कितना अंतर होगा, 36 का। 90 और 36 कितना हुआ, 126। तो 210 में 126 हम जोड़ देंगे, ये हमारा उत्तर होगा 336। प्रश्न 8 में भी हमें बताना है कि यहाँ पर लुप्त संख्या क्या होगी। तो यहाँ देखिए कॉलम में इसका जो सॉल्यूशन किया गया है वो कैसे है, कि 12 को
तीन से दूसरा अंक उससे गुना कीजिए और उसमें तीसरा अंक जोड़ें तो हमारा चौथा अंक मिल जाएगा। 12 3 36 और 4 40। इसी तरह 15 चौके 60 और 6 66 के बराबर होगा। इसी तरह यहाँ पर हम करेंगे 36 और 5 की गुना और उसमें 4 जोड़ देंगे। तो 36 और 5 की गुना करते हैं यहाँ पर। इसमें जो है आपको थोड़ा सा करेक्शन करना है, यहाँ पर ये 36 की बजाय यहाँ पर ये 16 है, ये आपका प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर ये 16 है। तो 16 की 5 से गुना करेंगे, 80 और 4 कितना हमारा उत्तर होगा, 84 उत्तर होगा, विकल्प डी होगा। उसके बाद प्रश्न 9 में ABHMZUQN, यहाँ पर देखें ए जो है पहले स्थान पर आता है, डी चौथे पर, जेड 26वें पर और यू आता है 21वें स्थान पर, जी आता है 7वें स्थान पर, आई आता है 9वें स्थान पर। हम पहले दो अक्षर ही देख रहे हैं। यहाँ पर देखें तो इनके बीच अंतर कितना है, ए और डी में 3 का, यहाँ पर अंतर कितना है 5 का, यहाँ अंतर है 2 का। अब आगे हम देखते हैं एच 8वें स्थान पर, एम 13वें स्थान पर, यहाँ अंतर अब कितना हो गया 4 का, उसके बाद ये 13 है तो यहाँ अंतर है 5 का। हर बार पहले हमने 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा। यहाँ देखते हैं क्यू जो है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जेड 26 पर था वो 21 पर, क्यू 17वें पर और एम 14वें पर। पहले हमने 5 घटाया, फिर 4 घटाया और फिर 3 घटाया। यहाँ क्या श्रृंखला बनी कि एक में हम 3 4 5 जोड़ रहे हैं, दूसरे में 5 4 3 उसमें से कम कर रहे हैं, मतलब जो हमने जोड़े हैं वही अंक हम कम कर रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं जी 7वें पर, आई 9वें पर, के 11वें पर, एम 13वें पर। हर बार इसमें हम कितना जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं, तो हर बार 2 कम करेंगे, ऐसी हमें ऐसा विकल्प हमने ढूंढना है। तो ऐसा विकल्प जो है वो आपको मिलेगा विकल्प सी। देखिए टी 20वें पर होता है, आर 18वें पर, पी 16वें पर और एन 14वें पर, हर बार 2 हम इसमें से कम कर रहे हैं, ये हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 10 में देखिए 7 133, 7 को अगर हम गुना करें 19 से तो हमारा उत्तर आता है 133। इसी तरह 9 को अगर 19 से गुना कर देंगे तो उत्तर क्या होगा, 171, विकल्प सी होगा। प्रश्न 11 में हमें बताना है कि 3 के विपरीत जो है क्या होगा। यहाँ ये देखिए 3 दिया हुआ है, 3 के साथ अब देखते हैं हमें यहाँ पर क्या क्या दिखाई दे रहा है। 3 के साथ 2 भी दिया हुआ है, 6 भी दिया हुआ है, 3 के साथ ही 5 और 1 भी दिखाई दे रहा है, तो जो बच गया अंक वो ही 3 के विपरीत होगा। तो 3 के विपरीत कौन सा अंक बच गया, 4 बच गया, तो ये हमारा सही उत्तर होगा, विकल्प ए। प्रश्न 12 में देखिए 10 मीटर चलने के बाद शंकर बाईं ओर मुड़ा, तो हम मान लेते हैं कि कहीं से भी यहाँ से शंकर चला 10 मीटर, यहाँ से वो बाईं ओर मुड़ा और 6 मीटर चला, यहाँ से वो फिर दाएं मुड़ा और 20 मीटर की दूरी तय की, यहाँ से वो दाएं मुड़ता है और 20 मीटर की दूरी तय करता है, अंत में वह दक्षिण की ओर चला, किस दिशा से शंकर ने अपनी यात्रा शुरू की थी। तो देखिए अंत में वो दक्षिण की ओर जा रहा है, उसने किस दिशा से अपनी यात्रा शुरू की थी, तो कहाँ से उसने शुरू की थी अपनी यात्रा, यहाँ से उसने शुरू की थी, कौन से पॉइंट से, उत्तर से अपनी शुरू की थी यात्रा। प्रश्न 13 में स्टेटमेंट दिया है कि गाने के पास हमेशा उन्हें गाने के लिए संगीतकार होते हैं। उसके बाद पहला निष्कर्ष वो है कि संगीतकार गाने बनाते हैं। देखिए कोई भी जो गाना है वो गाना कब कहलाएगा, जब तक कोई ना कोई संगीतकार उस लिखे हुए जो शब्द हैं उनको गाएगा नहीं, तब तक वो क्या नहीं बनेगा, गाना नहीं बनेगा। तो संगीतकार ही उसको गाएंगे तो वो गाना बनेगा, तो ये हमारा सही निष्कर्ष है, क्योंकि यहाँ लिखा गया है कथन में कि गाने के पास, गाने के लिए हमेशा उनके पास संगीतकार होते हैं, तो ये सही है। इनमें कोई ना सुना हुआ गाना नहीं है, इनमें या देर इज नो अनसंग सॉन्ग, मतलब कोई भी
इसको आप हटा सकते हैं, कोई भी ना सुना हुआ गाना नहीं है। देखिए ये कथन निष्कर्ष जो है वो कथन के अनुसार गलत हो गया, वहाँ हमने ये नहीं कहा कि सभी गाने सुने हुए हैं या नहीं सुने हुए। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हुआ कि केवल निष्कर्ष एक सही है, विकल्प डी उत्तर होगा। प्रश्न 14 में हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। यहाँ पर देखिए पहली जो आकृति है उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या किया गया है, ये समान सेम आकृति है अंदर और उसके बाहर एक हमने यहाँ पर दूसरी आकृति बना दी है, एक वर्ग बना दिया है। उसके बाद अगले स्टेप में क्या किया गया है, ये जो आकृति थी वो बिल्कुल समान थी, इसको अंदर ले लिया गया और इसके बाहर एक वृत्त बना दिया गया है। अब इसके बाद जो अगला स्टेप होगा, इस स्टेप में क्या करेंगे, जो आकृति आपको यहाँ पर है तीसरे स्टेप में वो बिल्कुल समान होगी और उसके बाहर हम एक नई आकृति बना देंगे। तो अगर हम देखें ये जो आकृति है बिल्कुल समान कहाँ दिख रही है, सिर्फ विकल्प ए में ही ये दिखाई दे रही है, ये हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 15 में हमें ढूंढना है कि कौन सी उत्तर आकृति में ये जो प्रश्न आकृति है वो निहित है। तो ये जो प्रश्न आकृति आपको निहित दिखाई देगी यहाँ पर देखिए विकल्प डी में, यहाँ पर ये प्रश्न आकृति निहित है। प्रश्न 16 में वर्तमान में अरुण और दीपक की उम्र के बीच अनुपात 4:3 है, 6 साल बाद अरुण की उम्र 26 साल हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं कि अरुण जो है वो अरुण 4x का है और दीपक जो है वो 3x का है, आज उनकी आज जो है वर्तमान में आयु ये है। 6 साल बाद अरुण 4x जमा 6 का हो जाएगा और यहाँ कह रखा है कि वो 26 साल का हो जाएगा, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 5। तो वर्तमान में दीपक की उम्र क्या है, तो दीपक की उम्र कितनी हुई, 15 साल, विकल्प ए। हम प्रश्न 17 में हमें बताना है कि कौन सा वैकल्पिक शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो आप विकल्प देखेंगे तो यहाँ पर विकल्प सी में के दिया हुआ है जो दिए गए शब्द में मौजूद नहीं है, इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता। प्रश्न 18 में किसी कागज़ के टुकड़े को मोड़कर हमने यहाँ से काट दिया है, तो उसको जब हम खोलेंगे तो वो किस तरह दिखाई देगा। तो यहाँ देखिए इसको जब मोड़ा गया है तो इसको 8 भागों में इसने बांट दिया है। यहाँ पर देखिए 2 भाग, 1/4 में 2 भाग हैं, यहाँ भी 2 होंगे, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो ये कट 8 जगह आपको विकल्प सी में ही दिखाई दे रहा है, ये सही उत्तर होगा। प्रश्न 19 में ए बी रेखा पर दर्पण रखा जाए तो सही इसकी प्रतिबिंब आकृति क्या होगी। प्रतिबिंब में देखिए दाई जो चीज़ है वो बाई तरफ दिखाई देगी, बाई चीज़ दाई तरफ दिखाई देगी। तो यहाँ ये जो 2 है, ये 2 डॉट हैं, ये दाईं तरफ हैं, ये आपको बाईं तरफ दिखाई देंगे, तो विकल्प ए और विकल्प डी गलत हो गए, यहाँ पर ये बाईं तरफ हैं। अब ये त्रिभुज आपको इस तरह दिया हुआ है, प्रतिबिंब में भी आपको ये ऐसा ही दिखाई देगा, तो यहाँ पर ये विकल्प सी में उल्टा दिया गया है इसलिए ये गलत हुआ, विकल्प बी हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 20 में GOD के लिए हमें कोड पता लगाना है, तो कोड पता लगाने के लिए मान लीजिए आपको 30 पर पता करना हो क्या है, तो पहला है वो पंक्ति को दर्शाएगा, दूसरा अंक स्तंभ को, ये 3 की पंक्ति है और ये 0 का स्तंभ है, दोनों जहाँ पर काटते हैं वहाँ जी दिया हुआ है और जी के लिए कोड हम कह सकते हैं 30 होगा। तो GOD के लिए कोड आपको पता करना था, तो सी इसका सही उत्तर होगा। हम चेक करते हैं 30 पर जी है 65, 6 की पंक्ति, 5 का स्तंभ, दोनों काटते हैं वहाँ ओ दिया हुआ है, 40, 4 की पंक् ति, 0 का स्तंभ, जहाँ काटेंगे डी दिया हुआ है, तो सी हमारा सही उत्तर है। प्रश्न 21 और 22 में हमें बताना है कि अगला पद क्या होगा, KOS इसके बाद क्या होगा। यहाँ पर देखिए K 11वें स्थान पर आता है, O 15वें पर, S आता है 19वें स्थान पर, इनके बीच अंतर कितना है, 4 का, तो 19 में 4 और हम जोड़ेंगे तो 23वें स्थान पर क्या होगा, W होगा, तो हम इन 2 विकल्प को तो काट सकते हैं। उसके बाद देखिए 10वें पर, 14वें पर, 18वें पर, तो 18 और 4, 22वें स्थान पर V आता है, विकल्प ए हमारा उत्तर होगा। उसके बाद देखिए 198, 202, यहाँ पर अंतर इन दोनों के बीच कितना है, 4 का, उसके बाद अंतर कितना है, 9 का,
उसके बाद अंतर कितना है 16 का। तो यहाँ अंतर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, तो इसके बाद 5 का वर्ग आएगा 25। तो 227 में हम क्या जोड़ेंगे 25, तो 252 हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 23 में किसी निश्चित कोड भाषा में इस शब्द को ये लिखा जाता है, तो हमें बताना है किस शब्द को ये लिखा जाएगा। ये यहाँ पर कोड दे दिया गया है पहले ही, हमें बताना है कि इसके लिए शब्द कौन सा होगा। जैसे यहाँ पर ये था, तो इसके लिए आप हम इनको नंबर देते हैं, जैसे P के लिए 1, O के लिए 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब देखिए यहाँ पर जो कोड इसने बनाया गया है, यहाँ पर भी हम यही नंबर अगर लिखें तो ये कैसे बन जाते हैं, ये 8वें स्थान पर था, 8, 7, उसके बाद ये आता है 1, 2, 6, 5, 4 और 3। तो ये जो है, अगर हम माने कि ये कोड दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है तो इसका मतलब इसकी श्रृंखला भी क्या है, 8, 7, 1, 2, 6, 5, 4, 3, ये इसकी श्रृंखला होगी। इसको हम इस तरह लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 1, 2 सबसे पहले क्या आएगा, P R, उसके बाद 3, 4 तो क्या होगा, E S, उसके बाद 5, 6, 7, 8 T I G और E। तो हमारा उत्तर क्या हुआ, विकल्प B उत्तर होगा। प्रश्न 24 में स्टार चिन्ह को बदलकर कौन सी समीकरण सही समीकरण बनाएगी, कौन सा चिन्ह है। तो यहाँ पर आप विकल्प ए रखेंगे तो ये सही समीकरण होगी। हम देखते हैं, 5 × 5 + 5 और बराबर 3 × 10। तो पहले 5 और 5 की गुना करेंगे, 25 + 5, 10 और 3 की गुना 30, तो 30 = 30, ये सही उत्तर है। प्रश्न 25 में कौन सी आकृति मानव लड़की लड़कों के बीच सही संबंध दिखाती है। देखिए दोनों लड़की और लड़के दोनों किस में आते हैं, मानव की श्रेणी में आते हैं, तो विकल्प ए हमारा उत्तर होगा। बाहर का जो सर्कल है वो मानव के लिए, एक लड़की के लिए और दूसरा लड़कों के लिए। ये था रीजनिंग के बारे में। धन्यवाद।